पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी पर हमला कर अपराधी फरार। मुंबई 4 सितंबर मीरा रोड स्थित पुलिस क्राइम ब्रांच ऑफिस में चोरी के आरोप में पकड़ा गया युवक पुलिसकर्मी पर हमला कर फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार मीरा रोड क्राइम ब्रांच पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। रविवार रात में क्राइम ब्रांच कार्यालय में सिर्फ दो पुलिसकर्मी थे। इनमें से एक पुलिसकर्मी देर रात भोजन लाने के लिए चला गया, इसलिए कार्यालय में सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी था। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी जय कुमार राठौड़ के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे राठौड़ जमीन पर गिर गए और अचेत हो गए। इसके बाद आरोपी पुलिस कार्यालय से फरार हो गया। इस घटना में घायल पुलिसकर्मी जय कुमार राठौड़ का इलाज मीरा रोड वोखाड अस्पताल में हो रहा है। राठौड़ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपी कल्लू अली शेख की तलाश में जुट गई और उसे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी को अपने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गिरफ्तार किया जिसने हमारे पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। क्या मामले में आरोपी को अटक किया था, क्या बड़ा मामला था? ये हैफल कल्लू अली नाम का आरोपी है। ये साइकिल चोरी का सराहित आरोपी है। साइकिल चोरी के पहले के भी कुछ गुने दाखिल है और अभी भी कुछ गुने उसे ओपन होने वाले थे, उसके लिए हमने उसको ताबे में लिया था। लेकिन उसी दौरान उसने रात को मौके का फायदा लेके वो रोड से हमारे जो अमलदार है जय कुमार राठौड़ उन पे हमला किया। उनके सिर पे गहरी चोट आई और वो वहां से भाग गया और वो कुछ साथ ही साथ वो हमारे हवलदार जय कुमार है उनका मोबाइल भी लेके गया। तो वो जो हवलदार जय कुमार है वो अभी उनकी प्रकृति गंभीर है, अभी स्टेबल है लेकिन उनपे उपचार चल रहा है। और ऐसे ही वो पुलिस कर्मचारी पे इतना जबर हमला उसने किया था, इसके लिए फिर हमने वो भाग गया, उसको पकड़ना जरूरी था। इसके लिए क्राइम ब्रांच के 7 टीम बनाए थे और लोकल पुलिस स्टेशन के 3 टीम बनाए थे जिसमें मीरा रोड पश्चिमीरा का अभी था। तो ये सब कम से कम 100 लोग और 10 टीम लगाए थे। वो रहने का कलकत्ता का है तो आशंका थी कि वो वहां पे भाग जाएगा, इसलिए मुंबई के सारे स्टेशन, थाने के सारे स्टेशन, कल्याण, ये सब पूरी जगह पे हमने टीम्स तैनात किए थे। तो वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर से उसका लोकेशन मिला कि वो सीएसटी के आसपास है। तो 12 गुना दाखिल होने के बाद 12 घंटे के अंदर हमने उसको सीएसटी से पकड़ लिया है, जो कि वो भागने की और भाग के पश्चिम बंगाल को जाने की तैयारी में था। उसी पहले उसको क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोच लिया है।